चालू कर दिए हैं। आज बन रहा है हम लोग का पोहा, जो कि मेरे हस्बैंड आज बना रहे हैं पोहा, और बहुत टेस्टी बहुत यम्मी पोहा बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्रूट्स ले रहे हैं। स्ट्रॉबेरी कैसे? 850 अनुसार दे रहे हैं। तो देखिए गाइस, हम लोग यहाँ सब्जी लेके आ गए हैं और बहुत सारा सब्जी है, और हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि हम लोग क्या क्या लाए हैं। एकदम बारी का माल है, बारी से काट के दिया है। आप लोगों का कमेंट ये होगा कि मटन में आलू डाला, लेकिन आलू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि जो लोग खाते ना उन्हीं को पता है। हम लोग Hey friends, good morning and again welcome back to my new blog. तो दोस्तों, आज का ब्लॉगिंग है संडे स्पेशल। तो आज हम लोग सुबह उठ चुके हैं, मस्त से एकदम नहा धोवा के भी रेडी हो चुके हैं, और आई होप आप लोग सबको अच्छे ही होंगे। और हम लोग का चैनल को अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए आज का ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना चालू कर दिए हैं। आज बन रहा है हम लोग का पोहा, जो कि मेरे हस्बैंड आज बना रहे हैं पोहा, और बहुत टेस्टी बहुत यम्मी पोहा बनाते हैं। और ये मतलब पहले भी बनाते थे, अच्छा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, अभी इसमें बादाम मिलाना बाकी है। यस, मेन तो इसका टेस्ट बादाम में ही है। बादाम पहले से ही रोस्ट करके रख लिए थे, पहले अच्छे से मिला लेंगे फिर बादाम। वाह, अब आएगा टेस्ट। काफी दिनों का एक्सपीरियंस है, इस तरह अच्छे से मिला रहे हैं। बना बना के आदत हो गई है। हाँ, पहले बनाते थे जब रहते थे तब, और अभी भी बना रहे हैं। और आज संडे स्पेशल हम लोग का बन रहा है पोहा। तो फाइनली गाइस, हम लोग का पोहा लग चुका है। ये देखिए हम लोग का पोहा, फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। और इधर ये नाश्ता कर रहे हैं पोहा। तो गाइस, हम लोग अभी बना रहे हैं संडे स्पेशल मटन, और इधर हम लोग का गाना चल रहा है। ये देखिए हम लोग का इधर गाना बज रहा है, क्योंकि गाना सुन सुन के काम करने में अच्छा लगता है कि नहीं? एकदम सही बात है। तो हम लोग यहाँ पे गाना भी लगा दिए हैं और गाना सुन रहे हैं। और इधर हम लोग का बन रहा है, इधर हम लोग का बन रहा है मटन। आप लोगों का कमेंट्स ये होगा कि मटन में आलू डाला है, लेकिन आलू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि जो लोग खाते ना उन्हीं को पता है। हम लोग को भी नहीं पता था ऐसा, लेकिन हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग बनाते हैं ऐसे ही डाल के, जो कि बहुत यमी लगता है। तो आप लोग भी अपने घर पे जरूर ट्राई करें। ये देखिए, तो फाइनली गाइस, हम लोग का चावल और मटन बन चुका था। खाते खाते याद आया कि हम लोग को ब्लॉगिंग भी करना है, और हम लोग इधर आधा ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद फटाफट खाना खा लेते हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग अभी छत आए हैं, मतलब खाना पीना खा के कपड़ा उठाने के लिए, और धूप भी काफ़ी है, तो धूप में बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग अपना देख रहे हैं मेरे पीछे साइड, अपना कंबल को धूप लगा दिए हैं, क्योंकि एक साल के बाद निकाल दो थोड़ा अलग स्मेल करता है, तो इसको धो तो नहीं सकते, बट इसमें धूप लगाए सारा स्मेल चला गया। उधर हम उसका खोल उधर देख रहे हैं, उधर हम इसका खोल धोए हैं, वो भी हल्का हल्का सूख चुका है, बस और थोड़ा धूप लगेगा। नीचे नीचे नहीं, ड्राई नहीं किए थे तो नहीं सूखा था। अब हम जितना सूख गया हम उसको सारा उठा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। धूप में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा ठंडा लग रहा है रूम में, और धूप में थोड़ा है तो अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा नहीं लग रहा है। चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइस, आप लोगों ने देखा ही था, हम लोग का दोपहर का खाना उना सब कुछ हो चुका है, और अभी शाम हो चुका है, और शाम में हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स सब्जी लाने के लिए मार्केट, जो कि थोड़े से दूर में है, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे टाइप्स का सब्जी मिलता है, और रेट में वहाँ पे अच्छा रहता है। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं मार्केट, और वहाँ का दिखाते हैं व्यू आपको, क्योंकि सारा सब्जी हम लोग का खत्म हो चुका है, तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं लाने के लिए। तो यहाँ पे एक बड़ा मार्केट लगता है सामने। हाँ, तो आपको वो मार्केट जाने के बाद पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं सब्जी लेने के लिए। इधर हस्बैंड जी सब्जी ले पूछ रहे हैं रेट कैसा चल रहा है मार्केट में। हाँ, और इधर देखिए बहुत सारा पीछे सब्जी का दुकान है, तो मैं आपको लेके जाऊंगी। और चलिए, इधर हस्बैंड जी ले रहे हैं सब्जी झोला भर के, अभी यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है। तो फिलहाल अंकल के पास 500 का चेंज नहीं है, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। तो चलिए, मिला
नहीं अभी मांग रहे थे उधर से। कैसे यहाँ पे हम लोग फ्रूट ले रहे हैं। स्ट्रॉबेरी कैसे? 850 पीस अनुसार दे रहे हैं, पर पीस के अकॉर्डिंग दे रहा है केजी में। और स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी कैसे? 100 रुपए पैकेट। सॉरी फिलहाल हम लोग लिए हैं संतरा। लेट्स गो, चलिए अभी हम लोग पता करते करते में जा रहे हैं। यहाँ पे अंकल का दुकान रहता था, हट गया। अभी हम लोग फिलहाल दोस्तों ये ले रहे हैं फूल गोभी, चुन रहे हैं क्योंकि फूल गोभी में थोड़ा कीड़ा वाला रहता है ना, फ्रेश वाला चुन रहे हैं। वो वाला ठीक है, वो हाँ हाँ वो हरा भी लग रहा है। झोला में भरिए उसको, झोला में भरिए। चलिए अब और आगे पता करेंगे हम लोग कि और आगे क्या क्या सब्जी है। ये यहाँ मेथी साग, यहाँ पे खड़ी सी टाइप्स ऑफ साग है, झींगा, धनिया पत्ता और भी अच्छा अच्छा साग है। हम लोग ने मेथी लिया है ना? यस। कैसे करके मेथी? बेगुनी और मासूर मटर दादा। तो हमने कुछ शॉपिंग किया है और आगे चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। पता कर रहे हैं प्राइस है कि नहीं? हाँ, क्योंकि मार्केट में पता करना जरूरी सबसे जरूरी होता है। जाएंगे हम लोग। यस, बात सही है। अगर ज्यादा लेता है कहीं पे कम में बिकता है, पूरा मार्केट देख लेंगे उसके बाद अच्छे से चेक करके। चलिए अच्छे से चेक कर करके लीजिए। तो फिलहाल हमें जल्दी आए हैं फ्रेंड्स, इसीलिए इतना मार्केट में भीड़ नहीं है। जैसे 7 बजे को वैसे वैसे भीड़ हो जाएगा। चलो चलिए देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आए हुए ना, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पे सजा हुआ है मंदिर में, लाइटिंग वगैरह बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ निजी, यहाँ पे आलू होलसेलर दुकान में आ गए हैं जो कि यहाँ पे आलू का दाम है। अभी आलू का रेट भी मार्केट में बहुत ज्यादा है। हाँ, नए आलू कुछ दिन ले गए थे वो खत्म हो गया, अब यही आलू ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो नया आलू नहीं दिख रहा है। बाकी मार्केट की तुलना में और ये अच्छा है ना, आप अपने से चुन के ले लो। इतना सारा आलू से, इतना सारा आलू से अपने अकॉर्डिंग अपने पसंद से चुन करके ले लीजिए, यही यहाँ पे फायदा है। कितना लेगे? 2 केजी। हाँ ले लीजिए। सब्जी करा तोले रात्रि तोले ढूंढियो, सब्जी करा तोले दिया जो, सब्जी करा, सब्जी करा, कोई भी सब्जी करा तोले दिया जो, झट करे। तो देखिए गाइस, हम लोग यहाँ सब्जी लेके आ गए हैं और बहुत सारा सब्जी है और हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि हम लोग क्या क्या लाए हैं और आपके साथ ये शेयर करेंगे। तो चलिए बताते, ये आलू लाए हैं, ठीक है, ये आलू है, बैंगन, टमाटर, अच्छा रेट में मिला। हाँ, क्योंकि आपको हम वीडियो में बताए ही है कि सब जगह हम लोग पता कर रहे थे। फूल गोभी भी मिल गया, एकदम बढ़िया सा है। और इसका खासियत है फ्रेंड्स कि ये बहुत ज्यादा ताजा है, एक जरा भी दाग नहीं है। हम लोग वहाँ पे चुन के लिए, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम फ्रेश है, एकदम बारी का माल है, बारी से काट के दिया है एकदम, देखिए एकदम फ्रेश ताजा ताजा झलक रहा है। और ये संतरा, संतरा भी संतरा ही है ना? हाँ, ये संतरा है दोस्तों, छोटा साइज वाला है। हाँ, ये तो पीस अनुसार दे रहा है। ये क्या है? ये सीम है जो इधर हम लोग के साइड इधर ही मिलता है, चपटा वाला, दाना वाला नहीं मिलता इधर। अभी सीम का सीजन चल रहा है। हाँ, तो सीम भी हम लोग ले लिए हैं। हाँ, सीम ले लिए हैं। और क्या दिखाएं? ठंडा के सीजन में खाने में अच्छा लगता है ये। और दिखाइए और क्या लाया है? ये मेथी साग। हाँ, मेथी साग हम लोग का एक ही दाना ज्यादा था क्योंकि हम लोग सब मेथी का पराठा बनाएंगे। तो फिर अगर जरूरत होगा दोस्तों तो फिर ले आएंगे, बहुत सारा है एक गुच्छा। और अभी इसका सीजन भी है तो ले लिए मेथी का साग। और दिखा रहे निकाल के शिमला मिर्च। अच्छा, शिमला मिर्च भी है, हम तो भूल गए थे। हाँ, शिमला मिर्च भी है, धनिया पत्ता। मतलब दोस्तों ठंडा का सब्जी
यही सब जितना हरियाली सब्जी है ठंडा में ही आता है और ठंडा का सब्जी भी टेस्टी लगता है। प्याज का पत्ता जो हाँ। आदमी बहुत अच्छे खाते हैं। और ये देखिए मूली, ठंडा के सीजन में मूली नहीं खाया तो फिर क्या खाया। हाँ। और इसका पत्ता बहुत हरा हरा। हाँ ठंडा के सीजन में एकदम मस्त मूली का सीजन रहता। हाँ दोस्तों, तो हमने कितना सारा सब्जी लाया और हमने कुछ खाने के लिए भी लाए थे जो कि यहाँ का फेमस है, क्योंकि आप यहाँ पे हर जगह दोस्तों ठेला ठेला देखेंगे ही, हर जगह ये आपको ठेले में बिकता हुआ नजर आएगा। गर्मा गर्म और गर्मा गर्म छना के ले रहे हैं और बहुत टेस्टी है। छना रहा था। हाँ तो ये देखिए गाइस, तो ये देखिए गाइस हमारा दाल का पकौड़ा और ये चटनी गर्मा गर्म है, तभी हम लोग खाएंगे क्या। यस चलो फिर खाते हैं। कैसा लग रहा है? टेस्टी लग रहा। और हमको तो तीखा खाने का आदत है, तो मिर्चा का चटनी तीखा अच्छा लग रहा है। ना? वो तो है, ठंडा के सीजन में तीखा तीखा। आप खा के बताइए। हमको भी तो बहुत अच्छा लग रहा है। यस बहुत बढ़िया लग रहा है। मजा आ गया। तो फाइनली गाइस एकदम खा के मजा आ गया। पकोड़ा एकदम तीखा तीखा था क्या, एकदम टेस्टी। ठंडा का मौसम में पकोड़ा अगर यदि मिल जाए ना तो मजा आ जाता है क्या। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। yes. और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। bye और bye. फिर मैं मिलूंगी आपके साथ नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए हर हर महादेव।